प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार और अन्य वैश्विक मसलों पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन में मौजूदा स्थिति की चर्चा की और भारत ने बातचीत से समाधान निकालने के रुख को दोहराया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच किए गए समझौते के अनुसार 1 जुलाई को दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने दिसंबर 2021 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों के बारे में समीक्षा की, विशेष रूप से कृषि वस्तुओं, उर्वरकों और फार्मा उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार को और कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। यूक्रेन संकट को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भारत के पुराने रुख को जाहिर किया गया और बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की सलाह दी गई। इससे पहले भी कई मंचों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जंग को रोकने का आह्वान कर चुके हैं। भारत लगातार बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने पर जोर देता आया है और पहले भी पीएम मोदी ने इसे लेकर राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से चर्चा की थी। आपको बता दें कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के 2 सप्ताह के बाद ये बातचीत हुई है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त, खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।